जय श्री राम टू वन एंड ऑल, वेलकम टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टडी अड्डा। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइबर टू फैब्रिक। यस, आई टोल्ड यू अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड आई टोल्ड यू अबाउट हाउ वी कैन गेट फैब्रिक फ्रॉम वूल फाइबर। यस, इन एक्टिविटी दिस वन आई टोल्ड यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क फाइबर्स ऑल्सो लाइक टासार, मूगा एसेट्रा एसेट्रा। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड पोर सिल्क थ्रेड। दिस इज एन एक्टिविटी वॉट वी आर डूइंग। ओके, वॉट यू डू फॉर दिस, आपको एक आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क का थ्रेड लेना है, नॉट नेचुरल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। सो वॉट यू आर डूइंग हियर, यू आर टेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क एंड यू आर टेकिंग प्योर सिल्क थ्रेड ऑल्सो। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली। इन दोनों को आपको अलग अलग बर्न करना है, जलाना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। जब ये जल रहे हैं उसमें क्या आपको कुछ स्मेल में कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं? नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली। अब आपको उसके बाद में आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है कि आपको इन दोनों की स्मेल में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको वूलन फाइबर लेना है और उसे भी आपको बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, जब आपने वूलन फाइबर को जलाया, इट वॉज प्योर एनिमल फाइबर, ओके, तो इसकी जो स्मेल थी वो किस के सिमिलर थी, प्योर सिल्क फाइबर के और आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर के? कैन यू एक्सप्लेन वाई? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of silk moth, try the following activity. अब देखिए इसमें क्या हुआ, जब आपने इसको बर्न किया तो दोनों की जो स्मेल थी, ऑड्यूर थी, वो डिफरेंट डिफरेंट थी। और जब आपने इन दोनों की स्मेल को सिंथेटिक फाइबर को और प्योर जो सिल्क फाइबर था उससे आपने वूलन फाइबर को जब मैच करने की कोशिश करी, तब आपने ऑब्जर्व किया कि जो प्योर सिल्क फाइबर था उसकी जो ऑड्यूर थी, जो स्मेल थी, वो बिल्कुल वूलन फाइबर के सिमिलर थी। एंड इट इज़ ऑल्सो अ एनिमल एन एनिमल फाइबर। ओके, क्यों स्मेल सिमिलर थी? बिकॉज बोथ कंटेन प्रोटीन इन देम। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू? क्योंकि इन दोनों में क्या था, प्रोटीन प्रेजेंट था। और इनकी जो स्मेल है वो बिल्कुल बर्निंग हेयर की तरह आती है। क्यों? क्योंकि हेयर्स में भी क्या है, प्रोटीन। आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन ना, दीज हेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, दीज आर एक्चुअली डेड सेल्स। तो इसी तरह से जो वूलन फाइबर है और जो प्योर सिल्क फाइबर है वो भी किसके बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। एंड दैट्स वाई दीज आर गिविंग सिमिलर ऑड्यूर, सेम स्मेल हमें फीलिंग आती है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है, जो सिंथेटिक सिल्क फाइबर है, उसकी स्मेल जो है वो थोड़ी डिफरेंट आती है। और साथ में ये प्रॉपर तरीके से बर्न भी नहीं करते हैं, एक्चुअली ये मेल्ट होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, प्रॉपरली बर्न नहीं होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। नाउ वन थिंग ऑल्सो यू नो वेरी वेल ना, जो कोकून स्टेज यानी कि जब सिल्क वॉर्म जो होता है, पहले वो अंडे देते हैं, फिर वो हैच होते हैं, लार्वा कम्स आउट, फिर वो मुलबरी लीव्स पर फीडिंग करते हैं कुछ दिनों तक, फिर वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं, देन कन्वर्ट इनटू प्यूपा। जब ये प्यूपा स्टेज में आते हैं और उनके चारों ओर एक शेल बन जाता है जिसे हम बोलते हैं ककून, इस ककून स्टेज में जब ये पहुंचते हैं उस समय इनमें से फाइबर्स को निकाला जाता है। नाउ वन मोर थिंग, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। क्या करना है हमें, जो लाइफ हिस्ट्री है ककून की, दिस इज़ वन मोर एक्टिविटी। और आप चाहें तो इस एक्टिविटी को अपनी कॉपी में कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपकी लाइफ हिस्ट्री दी हुई है सिल्क वॉर्म की, उसके पिक्चर्स आपको या तो चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें कट कर सकते हैं अलग अलग, एंड देन आफ्टर जंबल देम, उनको जंबल कर दीजिए। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सिक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। उसके बाद साइक्लिक फॉर्म में आपको उन्हें प्रॉपर सिक्वेंस में जमाना है। हूएवर डज इट फास्टेस्ट विंस। तो यहाँ ये एक्टिविटी है कि हम स्कूल में कर सकते हैं व्हेन यू आर हियर इन द क्लास। सो डोंट डू दिस वन ओनली इन व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स ना, तो उसमें हमारी एक लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म है, वहीं पर हम वही पिक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। इन इंडिया वुमेन आर
significantly involved in various kind of industries related to silk production. काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो कि सिल्क प्रोडक्शन का जो वर्क होता है उसके लिए फैक्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होती हैं. एंड दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून एंड प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक. ये सारे काम होते हैं जो ये सारी वुमेन्स करती हैं. वो सिल्क वॉर्म्स को रियर भी करती हैं, यानी कि इनको पालती हैं, उनका प्रॉपर फीडिंग करवाती हैं. रीलिंग ऑफ सिल्क, यू नो अबाउट रीलिंग, वन मोर डेफिनेशन इज देयर. रीलिंग मीन्स होता है ककून में से सिल्क फाइबर्स को सेपरेट करना, उन्हें निकालना. दिस इज कॉल्ड रीलिंग प्रोसेस. तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आपको दिख रही है. एंड आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग फ्रंट पेज पर जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो हमें मेंशन करना है. उसमें मैंने आपको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, इन सब के लिए आपको मैंने कहा था कि ये आप उसे प्रॉपरली डेफिनेशन को फ्रंट पेज पे कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और उसी में एक और ऐड कर लीजिएगा आप, रीलिंग प्रोसेस. रीलिंग इट मीन्स सेपरेशन ऑफ सिल्क फाइबर्स फ्रॉम देयर ककून्स. उसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक, जो रो सिल्क मिलता है उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करना, ये सारी प्रोसेस जो होती हैं ये इन सब लेडीज़ों के थ्रू की जाती है. बाय देयर एंटरप्राइज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी. यू कैन सी हियर कि नेशन की, हमारे राष्ट्र की इकोनॉमिक में इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. चाइना जो है वो सबसे आगे है सिल्क प्रोडक्शन में. इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू, सबसे पहले चाइना ने ही फाइंड आउट किया था कि किस तरह से सिल्क वॉर्म से सिल्क को हमें प्रोडक्शन कर सकते हैं. लेकिन उन्होंने काफ़ी समय तक उसे को सीक्रेट बना के रखा था, छुपा के रखा था. फिर बाद में पता चल गया था जो ट्रेवलर्स थे उनके थ्रू. सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की क्या रैंक है, तो फर्स्ट रैंक की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक में आता है चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सेकेंड रैंक की यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड रैंक में आता है जापान. जापान जो होता है उसकी सेकंड रैंक है सिल्क प्रोडक्शन में. और थर्ड रैंक में आता है इंडिया. इट मीन्स इंडिया में भी काफ़ी अच्छे स्केल पर सिल्क का प्रोडक्शन होता है. सो यू कैन सी हियर इंडिया हैज़ थर्ड रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. नाउ फ्रॉम ककून टू सिल्क, अब हम बात करेंगे कि ककून जब ककून जो प्रिपेयर होता है उससे सिल्क को हम कैसे निकाल सकते हैं और कमर्शियल स्केल पर ही किस तरह से किया जाता है प्रोडक्शन. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देयर ककून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. यदि हमें सिल्क चाहिए कमर्शियल स्केल पर तो इसके लिए काफ़ी सारे जो सिल्क मोथ होते हैं उनको रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है, और फिर उसके बाद उनके जो ककून्स प्रिपेयर होते हैं उन ककून को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड के लिए. रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मोथ लेस 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. ये आपको मैंने पहले ही बताया था जो फीमेल सिल्क मोथ होती है. अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग्स देने के बाद में क्यों मर जाती है. बेटा इनकी जो लाइफ स्पेन समझते हो आप, लाइफ स्पेन किसका कितना जीवन होता है. जैसे हम डॉग्स की बात करते हैं तो डॉग होते हैं जो 14 से 18 ईयर तक सर्वाइव करते हैं, यानी कि इस एज में आते आते वो बूढ़े भी हो चुके होते हैं और मर चुके होते हैं. जैसे ह्यूमन बींग की हम बात करते हैं तो हमारी जो एज है वो नॉर्मली 100 ईयर्स तो होती है, 80 से 100 ईयर्स, उसके बाद हम मर जाते हैं. तो सब एनिमल्स की जो लाइफ स्पेन है वो अलग अलग होती है. इसी तरह से जो बटरफ्लाई है उनकी लाइफ स्पेन केवल 1 वीक की होती है, 7 डेज की होती है. 1 वीक के बाद में वो मर जाते हैं और इसी 1 वीक में वो पूरी लाइफ प्रोसेस जो आपको दिखाई है उसको वो फॉलो करते हैं. तो जब वो मैच्योर होकर के बाहर आते हैं उस पूरी प्रोसेस में उन्हें इतना दिन लग जाता है, और फिर लास्ट टाइम पे जब वो ले एग्स अंडे देते हैं उसके बाद उनकी लाइफ स्पेन पूरी हो चुकी होती है और वो मर जाती हैं. ठीक है, इसीलिए वो डाय हो जाती हैं, दिस इज़ द रीज़न. तो यहाँ पर देखिएगा जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो 100 ऑफ एग्स देती है एट अ टाइम. एंड आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन, एक बार में वो कम से कम 400 से 500 एग्स जो होती हैं वो देती हैं. द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स.
उसके बाद इन्हें क्या करते हैं, इन एग्स को बहुत अच्छे से, या तो एक वैसे तो काफ़ी एक बड़ी सी बकेट आती है या तो उसमें रखा जाता है उसको, या फिर जो पेपर या फिर क्लोथ की जो स्ट्रिप्स होती है उनमें उसको केयरफुली रखा जाता है। उसके बाद इसको सिल्कवॉर्म फार्मर्स जो होते हैं उनको सेल कर दिया जाता है फाइबर्स के प्रोडक्शन के लिए। द फार्मर्स रियरिंग सिल्कवॉर्म, फीमेल सिल्कवॉर्म मोथ विद एग्स, मुलबरी ट्री कीप्स एग अंडर हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी उसमें लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म में, कि जब ये एग्स को ले करती हैं, देती हैं, तो जनरली ये प्रोसेस जो होती है वो समर सीज़न में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि समर सीज़न में उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो वार्म होती है, और उसी वार्म्थ की वजह से ये जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और हैचिंग के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ये तो हम आर्टिफिशियल तरीके से आला काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना रहेगा कि ये जो एग्स होते हैं इन एग्स को एक अंडर हाइजेनिक कंडीशन में रखा जाता है, और साथ में सूटेबल जो टेम्परेचर चाहिए इनके लिए, वार्म्थ जो कंडीशन चाहिए उस कंडीशन में उसे रखा जाता है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। और ये टेम्परेचर क्यों रखा जाता है? सो दैट एग्स कैन हैच और लार्वा कैन कम्स आउट। दिस इज डन व्हेन मुलबरी लीव्स बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और ये सब चीज़ें कहाँ पर की जाती हैं? मुलबरी लीव्स पर। अब जैसे नेचुरली तो क्या होता है कि जो बटरफ्लाई होती है, जो सिल्क वॉर्म होते हैं, वो मुलबरी की लीव्स पर जो पेड़ होते हैं उस पर ही देते हैं एग्स को। लेकिन ये आर्टिफिशियली क्या हो रहा है, जो एग्स जब जो मिले हैं उन्हें उस बकेट में, क्लोथ में, पेपर में, जहाँ पर भी रखा गया है उसके ऊपर काफ़ी सारी मुलबरी लीव्स भी स्प्रेड की हुई हैं, बिछाई हुई हैं, ताकि जैसे ही लार्वा बाहर निकलेगा वो उन मुलबरी लीव्स पर फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इमर्जली इन साइज। वो बहुत तेज़ी से रात दिन मुलबरी लीव्स को खाते हैं और अपने साइज़ को काफ़ी बढ़ा लेते हैं। एंड आई टोल्ड यू, जो लार्वा जो निकलता है एग से उसका वेट 10,000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है जब वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है 5 से 6 वीक के बाद में, तो इतना इसका वेट इंक्रीज हो जाता है। सो यू कैन सी हियर फीमेल सिल्क वॉर्म मोथ विद एग्स, ये काफ़ी सारे अंडे देती है। और ये देखिए, ये है मुलबरी ट्री, इसके जो मुलबरी लीव्स हैं जनरली वो अपने एग्स को इन लीव्स पर ही देना पसंद करती हैं, क्योंकि ये उनको फीडिंग मटेरियल मिल जाता है यहाँ पर। देन आफ्टर यू कैन सी हियर लार्वा फीडिंग ऑन मुलबरी लीव्स एंड दिस रियरिंग सिल्क वॉर्म एंड ककून। उसके बाद में जब और स्टेज आगे बढ़ती है तो ये ऐसे ककून में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो ककून होते हैं इन्हीं का यूज़ किया जाता है ककून से फाइबर्स को रिमूव करने के लिए। नाउ एट फर्स्ट विल सी डिस्कवरी ऑफ सिल्क। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। ये कोई नहीं जानता एक्चुअल टाइम कि कब सिल्क वॉर्म का पता चला था। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीजेंड, एक बहुत बूढ़े जो चाइनीज पर्सन था, द एम्प्रेस सी लॉन्ग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हॉन्ग टी टू फाइंड द कोज ऑफ द डैमेज लीव ऑफ मुलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। तो ये जो पर्सन था सी लॉन्ग ची, उन्होंने अपने गार्डन में मुलबरी लीव्स का जो पेड़ था उनके पास, तो उन्होंने देखा कि जो मुलबरी लीव्स जो ग्रो कर रही हैं उनमें डैमेज क्यों आ रहा है, वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है, प्रॉपर उसमें फर्टिलाइज़र या मैन्यूर भी डाला गया है, प्रॉपर वाटरिंग की गई है, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, इंसेक्ट्स भी नहीं है, फिर भी मुलबरी की जो लीव्स हैं वो डैमेज क्यों हो रही है। तो उन्हें ये रीज़न पता करना था। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मुलबरी लीव्स। और जब उन्होंने इस चीज़ पर ठीक से फोकस करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या देखा कि वाइट वॉर्म्स हैं कोई जो कि मुलबरी की लीव्स को कंटिन्यूसली ईटिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं। शी ऑल्सो नोटिस्ड दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी ककून्स अराउंड देम। फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि यही बार बार कंटिन्यूसली मुलबरी लीव्स पर फीडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में वो अपने माउथ से कुछ शाइनी लिक्विड निकाल रहे हैं और उसे अपनी पूरी बॉडी पर वो स्प्रेड कर रहे हैं।
एक्सीडेंटली, उसके बाद में क्या हुआ कि एक्सीडेंटली अ ककून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड अ टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द ककून। उन्होंने ये तो देखा कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जैसे ही वो कॉन्टेक्ट में आता है एयर के, वो ड्राई हो जाता है और वो एक्चुअली सिल्क फाइबर है। तो बाय मिस्टेक क्या हुआ कि जब अपने गार्डन में वो चाय पी रहे थे तो गलती से एक ककून जो था वो उनकी टी में गिर गया। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें से कुछ थ्रेड्स जो हैं वो बाहर निकले हुए थे, जो काफ़ी शाइन कर रहा था। सो सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वॉज कैप्ट अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर हंड्रेड ऑफ हीयर। काफ़ी सालों तक, मतलब हंड्रेड ऑफ ईयर्स यानी कि 100 साल भी हो चुके थे, इतने समय तक चाइना ने उसको बिल्कुल सीक्रेट रखा था, किसी को बताया नहीं था इन सिल्क फाइबर्स के बारे में। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। उसके बाद जो ट्रेवलर्स थे जो चाइना जाते थे, जब उन्होंने उस फाइबर को देखा, उससे बने फैब्रिक को देखा, तब उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और ये जो पूरा जो ट्रैवलिंग हुआ, इस तरह से जो सब कुछ बन के रेडी हुआ, उसके बाद ट्रेवलर्स ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, ये पूरा क्या कहलाता है, सिल्क रूट कहलाता है। इस तरह से पूरे वर्ल्ड ने सिल्क के बारे में जाना। यू कैन सी ना कि चाइना ने किस तरह से सीक्रेट को छुपा के रखा हुआ था। तो इस तरह से एक्सीडेंटली सारी चीज़ें हुई और सिल्क फाइबर के बारे में पता चला। द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रेस। देखिए इसमें क्या होता है कि जो लार्वा जब निकलता है या फिर डायरेक्टली जो एग होते हैं उनको बैम्बू की बनी हुई ट्रेस होती हैं, काफ़ी चौड़ी होती है, फैली भी होती हैं, उन ट्रेस में इन्हें अलग अलग रखा जाता है दूर दूर, अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मुलबरी लीव्स। और इस ट्रे के अंदर काफ़ी सारी फ्रेश मुलबरी लीव्स भी रखी जाती हैं। After 25 to 30 days, and I told you for this na, continuously they feed on mulberry leaves for 5 to 6 week. 5 to 6 सप्ताह तक वो फीडिंग करते हैं और ये टाइम इसके बराबर आ गया है। The caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tree to spin cocoon. उसके बाद में क्या होता है कि जब वो caterpillar खाना बंद कर देती है तो ये क्या करती हैं, मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन ककून। अब वो मूव करना स्टार्ट करती हैं और क्या करने के लिए, ककून बनाने के लिए। स्मॉल रेक्स और ट्विक्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच ककून्स गेट टेस्ट। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द ककून इन साइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। और ये क्या करते हैं फिर, जो सिल्क वॉर्म होता है लिक्विड सिल्क को स्पिन करते हैं और ककून बनाते हैं अपनी पूरी बॉडी में। किस तरह से करते हैं, दे स्टार्ट सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड लिक्विड सिल्क, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और अपनी पूरी बॉडी के चारों ओर वो अपने माउथ को एट की फॉर्म में, इस फॉर्म में कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं फॉर 2-3 डेज। और 2-3 दिनों तो ये कंटिन्यू ऐसा करते हैं जिससे कि लिक्विड क्या होता है उनकी पूरी बॉडी पर स्प्रेड हो जाता है। एंड व्हेन दिस लिक्विड कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एटमोसफियर इट क्विकली ड्राई, ये ड्राई भी हो जाता है और इसका जो कलर होता है ये बिल्कुल वाइट शाइनी और गोल्डन स्टाइल में होता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल ऑफ ककून, जो ककून का पूरा एक बंच होता है, इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। इसका यूज फिर सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए यूज में लिया जाता है। एंड द ककून्स आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को और आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। क्या होगा, ककून को ऐसे यदि हम छोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो प्यूपा है वो मैच्योर हो जाता है और इस ककून को, इस शेल को बस्ट करके, तोड़ करके बाहर आ जाता है। लेकिन यदि हमें फाइबर्स को ऑब्टेन करना है तो यहाँ जैसे ही ककून रेडी होता है, इस ककून को फिर या तो सनलाइट में रखा जाता है या फिर इसे बॉइल किया जाता है या फिर इसे माइक्रोवेव में भी रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि अंदर जो प्यूपा है वो तो ड्राई हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि प्यूपा मैच्योर नहीं होगा और ना ही वो ककून को तोड़ के बाहर आएगा। तो यहाँ पर उसको स्टीम किया जा रहा है, बॉइल भी किया जा रहा है या फिर सनलाइट में किया जा रहा है, वॉट एवर दे वॉन्ट। एंड द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, उसके बाद सिल्क फाइबर को बाहर निकाल लिया जाता है, बिल्कुल लॉन्ग फाइबर बाहर निकाला जाता है। और उस लॉन्ग फाइबर का जो साइज़ है वो कम से कम 700 से 800 मीटर के आसपास होता है, ठीक है, ये साइज होता है किसका,
सिल्क फाइबर का, एक ककून से जो सिल्क फाइबर निकलता है उसकी लेंथ होती है 700 से 800 मीटर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट, दिस इज द मेन थिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इसको बोलते हैं हम रीलिंग प्रोसेस। इन दिस रीलिंग प्रोसेस व्हाट इज डन, सिल्क फाइबर्स आर टेकिंग आउट फ्रॉम द ककून, दिस इज कॉल्ड रीलिंग प्रोसेस। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स, और ये काम जो होता है वो स्पेशल मशीन में किया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे हाथ से निकालना स्टार्ट कर देते हैं हम, काफ़ी डेलिकेट होता है ये, सो इसको हम मशीन के थ्रू करते हैं। विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इंटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद क्या करते हैं, इसे सिल्क थ्रेड में स्पन किया जाता है, मीन्स यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। विच आर वूवन इंटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स, और जो वीवर्स के थ्रू क्या करते हैं, इनको वूवन करके सिल्क क्लोथ में फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि थोड़े डेलिकेट होते हैं, तो इसलिए काफ़ी हार्ड वर्क नहीं होता है इनके साथ, सॉफ्ट तरीके से फैब्रिक को प्रिपेयर किया जाता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड पहले सेइंग समथिंग, पहले वॉन्ट्स टू नो इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन एंड वूवन इन द सेम मैनर। इट इज़ सेइंग अबाउट कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड। हमारे पास कॉटन फाइबर्स हैं और सिल्क फाइबर्स हैं, क्या इन दोनों की स्पिनिंग और वूवन दोनों सेम होती है? इफ़ यू वी टॉक अबाउट दिस वन, सो विल से नो, इट इज़ नॉट सेम। वाई? देखिए कॉटन थ्रेड में क्या होता है कि कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, तो उनके स्मॉल कॉटन फाइबर्स को स्पिन करके पहले तो यार्न में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद फिर वापस से इनकी स्पिनिंग की जाती है और फिर उसे फिर थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो स्मॉल स्मॉल हैं, तो पहले उनको बड़ा किया जा रहा है और फिर वापस से यार्न में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ प्रोसेस दो बार हो रही है। बट इन सिल्क इसमें क्या होता है कि वी आर गेटिंग लॉन्ग फाइबर्स ओनली, हमें हर ककून से लंबे लंबे फाइबर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ डायरेक्टली लॉन्ग फाइबर्स को ट्विस्टिंग करके डायरेक्टली यार्न बना दिया जाता है। जबकि कॉटन फाइबर में क्या बताया मैंने, 8 फर्स्ट स्मॉल फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म या टू चेंज इनटू लॉन्ग फाइबर्स, एंड देन आफ्टर दीज आर ट्विस्टेड इनटू यार्न, उसके बाद फिर इन्हें यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस करनी पड़ रही है, लेकिन सिल्क के केस में केवल सिंगल एक ही बार में लॉन्ग फाइबर्स को स्पिनिंग करके यार्न में कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसके बाद यदि हम वीविंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये सिल्क फाइबर थोड़े डेलिकेट होते हैं, तो जो वीविंग प्रोसेस होती है वो सॉफ्ट तरीके से की जाती है सिल्क वाले केस में। कॉटन में इस चीज़ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, इजीली उनको वूवन कर सकते हैं, वीविंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है स्पिनिंग में और वीविंग में सिल्क और कॉटन के। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, दीज आर कीवर्ड्स, और सारे कीवर्ड्स मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ककून क्या होता है, दिस इज द सेल ऑफ सिल्क वॉर्म, एंड इन दिस स्टेज या दिस इज़ द स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसी के की स्टेज होती है। ककून एक शेल होता है जिसके अंदर क्या होता है, प्यूपा होता है, ठीक है। स्कोरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वूल फाइबर्स, ओके, यहाँ पर वूल फाइबर्स को क्लीन किया जाता है। सिल्क मोथ, इट इज़ एन इंसेक्ट विच इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। फ्लीश, आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन ऑल्सो ना, दीज आर हेयर्स ऑफ एनिमल्स अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, दिस इज कॉल्ड फ्लीश। सेरिकल्चर दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑन अ लार्ज स्केल या ऑन अ कमर्शियल स्केल सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड। सिल्क वॉर्म, सिल्क मोथ दोनों एक ही वर्ड होता है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। Reeling is the process, this is the taking out of thread from the cocoon. Then after sharing भी आपको मैंने समझाया था, sharing it means removal of flesh from the animals, okay, या from their body, this is called sharing process. Sorting में क्या होता है, sorting is the process to separate fibers of different textures.
अलग अलग टेक्सचर के फाइबर्स को अलग अलग किया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ डन बाय सॉर्टर्स। ये सॉर्टर्स की यानी कि स्किल्ड पर्सन्स के थ्रू किया जाता है जिनको नाम दिया गया है सॉर्टर्स, सॉर्टर्स। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वंस अगेन। यहाँ पर मैंने आपको वूल फाइबर्स और सिल्क फाइबर्स इन दोनों के बारे में बताया है। इससे जुड़ी हुई कुछ भी चीज़ें आपको यदि समझ में नहीं आई है देन यू कैन आस्क मी। नो वन हैज एनी डाउट? सबको समझ में आ गया है? पी आर सूर्य नारायण, बेटा इन लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू ना डोंट चेट टू इच अदर। आई थिंक यू नो वन हैज एनी डाउट, है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वॉट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, यहाँ पे एक समरी दी हुई है जिसमें सारी चीजें क्लियर है कि हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर के अंदर। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप गोट एंड याक, हैंस सिल्क एंड वूल्स आर एनिमल फाइबर्स। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर्स। द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा, एल्पका आर ऑल्सो प्रोसेस्ड टू यील्ड वूल। इन एनिमल्स का यूज भी किया जाता है वूल के प्रोडक्शन के लिए या ऑब्टेनिंग के लिए। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग टाइप की शीप और गोट को जनरली रियर किया जाता है। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, स्कॉर्ड, सॉर्टेड, देन ड्राइड, देन डाइड, फिर स्पन एंड वूवन टू यील्ड वूल। अब किस तरह से हम शीप के हेयर को वूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारी प्रोसेस देखिए लाइन से दी हुई है इसमें। पहले तो शेयर्ड ऑफ किया जाता है यानी कि निकाला जाता है हेयर्स को, स्कोरिंग की जाती है, देन सॉर्टिंग की जाती है, फिर उसे वापस ड्राई किया जाता है, उसके बाद में इसको डाइड कलरिंग किया जाता है, फिर स्पिनिंग और वूवेन किया जाता है। सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क वॉर्म। क्या होते हैं सिल्क वॉर्म? दीज आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल प्यूपा होता है वो तो मर जाता है सनलाइट में, ओके? तो फार्मर्स जो सेरिकल्चर करते हैं उनके पास इतने बटरफ्लाई कहाँ से आती हैं? के बेटा इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब वो सारे ही सिल्क वॉर्म को मार देते हैं, ये सारे ही प्यूपा को मार देते हैं, कुछ को उन्हें लाइफ भी रखना पड़ता है, जिंदा भी रखना पड़ता है। एंड एज आई टोल्ड यू ना कि एक सिल्क वॉर्म जो होता है अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 एग्स देता है एक ही बार में। अब आप खुद सोचिए, थोड़े बहुत भी यदि आपने सिल्क वॉर्म को सर्वाइव करने के लिए छोड़ दिया है तो उनसे कितने सारे एग्स मिल सकते हैं? आर यू गेटिंग? तो ऐसा नहीं है कि सबको ही हमें डाइट करना होता है, उनको भी बाहर निकाला जाता है मिच्योर होने के बाद, और उनके उसके बाद में जो ककून है वो तो बस्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर सिल्क फाइबर जो है वो टूट जाएंगे, हमें प्रॉपर लॉन्ग स्ट्रैंड के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। लेकिन उन ब्रोकन जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उनको भी यूज़ में लिया जाता है, ठीक है? थोड़ी सी वो लो वेराइटी में काउंट हो जाता है, लेकिन उस लो वेराइटी से भी सिल्क फैब्रिक जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, वो थोड़ा सा चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है, बस ये है उसमें, ठीक है? चलिए क्या बता रही थी मैं आपको, सिल्क फाइबर्स आर मेड फ्रॉम प्रोटीन। अब यदि सिल्क फाइबर की जगह वूल फाइबर है तो वो भी किसका बना हुआ है? वो भी प्रोटीन से बना हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम ककून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इन टू सिल्क थ्रेड। अब यहाँ पर रील्ड किया जा रहा है, रील्ड मतलब यहाँ पर ककून से सिल्क को सेपरेट किया जा रहा है। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इन टू सिल्क क्लोथ। Now we will see question answers. You must be familiar. Everybody keep open your book and keep your pencil with you also.
यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम. यहाँ पर एक नर्सरी राइम दी गई है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यू नो अबाउट दिस वन ना. एंड मैरी हैड अ लिटिल लैम हूज फ्लीच वॉज वाइट एज स्नो. ये पोयम है, पोयम की कुछ लाइन है ये. अब इनको रीड करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. नाउ इट इज सेइंग बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. तो यहाँ पूछा गया है कि जो ब्लैक शीप है उसके कौन से पार्ट में वूल होती है. आई थिंक यू नो वेरी वेल ना, उसका जो स्किन पार्ट होता है, स्किन पार्ट में क्या होती है, वूल होती है, यानी कि हेयर्स होते हैं. सो विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, स्किन पार्ट. ओके, वट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लेश ऑफ द लैम. इट इज सेइंग मेरी हैड अ लिटिल लैम हूज फ्लेश वॉज वाइट एज स्नो. सो वट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लेश ऑफ द लैम. इट मीन्स हेयर्स ऑफ लैम इज वाइट. फ्लेश आई टोल्ड यू ना, वाइट फ्लेश इट मीन्स हेयर्स ऑफ एनिमल्स विद देयर या अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन. दिस इज कॉल्ड फ्लेश, या सिंपली वी कैन से हेयर ऑफ एनिमल. तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो वाइट फ्लेश है इसका मीनिंग क्या है. सो वाइट फ्लेश का इट मीन्स ये है कि द लैम हैज वाइट हेयर्स. इट मीन्स वाइट हेयर. क्लियर? इट मीन्स जो लैम होता है उसकी बॉडी पर वाइट हेयर्स होते हैं, वाइट फ्लेश होते हैं. द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पर इन्होंने नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं. ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैटरपिलर है और बी के अकॉर्डिंग लार्वा. सो इसमें ये पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर ए कैटरपिलर इज करेक्ट, या फिर इन बी थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ में है नीदर ए और नॉर बी. सो फॉर दिस वी विल चूज ऑप्शन नंबर वन, सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर. दिस इज द राइट आंसर. टिक कर लीजिएगा आप अपनी बुक में, कैटरपिलर इज द राइट आंसर, सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल. इट मीन्स इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आपको वूल ऑब्टेन नहीं हो सकता है. याक, आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन ना, याक से तो आपको मिलता ही है. कैमल में बैक्ट्रियन कैमल जो होते हैं उनसे भी मिलते हैं, गॉड से भी मिलता है. एक है वूली डॉग. दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. इससे हमें जो वूल फाइबर्स हैं वो ऑब्टेन नहीं होते हैं. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. वट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स. अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशंस पूछी गई हैं. आई थिंक नो रिक्वायरमेंट टू एक्सप्लेन, ये मैंने आपको पहले काफ़ी अच्छे से समझा दी है. रियरिंग. अब रियरिंग में क्या होता है, रियरिंग इज द प्रोसेस इन विच एनिमल्स आर रियर्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसमें, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स एंड फॉर वी कैन से टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स एंड फीडिंग, मेडिकल केयर, ऑल द थिंग्स आर मेंशनड हियर ना इन रियरिंग. यहाँ केवल हम एनिमल्स को रियर नहीं कर रहे, केवल पाल नहीं रहे हैं, उनकी फीडिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं, उनकी मेडिकल केयर भी कर रहे हैं, हाइजीनिक कंडीशन भी देख रहे हैं. ऑल द थिंग्स आर नोन एज रियरिंग ऑफ एनिमल. शेयरिंग, रिमूवल ऑफ फ्लेश फ्रॉम देयर स्किन, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग प्रोसेस. एंड सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और सिल्क मॉथ ऑन कमर्शियल स्केल, दिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर. तो ये सेरिकल्चर तभी बोलेंगे हम जब ये कमर्शियल स्केल पर किया गया है. यदि आप कुछ दो तीन सिल्क मॉथ को लेकर उसे आप रियर कर रहे हैं तो उसे आप सेरिकल्चर नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एंड दीज आंसर्स यू कैन सी इन स्टडी अड्डा ऐप. ओके, यू नो वेरी वेल ना अबाउट दिस वन. एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से आपको मिल जाएंगे. गिवन बिलो, गिवन बिलो इज अ सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम. आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन ना, ये पूरी प्रोसेस है किसके बारे में, प्रोसेसिंग ऑफ वूल के बारे में, और ये आपको मैंने क्लियरली समझाया था. सबसे पहले क्या था इसमें, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसके बाद में था रियरिंग ऑफ ब्रीड. ओके, देन आफ्टर शेयरिंग, फिर स्कोरिंग, सॉर्टिंग, उसके बाद में क्या था, रिमूवल ऑफ बर्ड्स, देन आफ्टर डाइंग, देन आफ्टर रोलिंग,
स्पिनिंग देन वीविंग ओके एंड प्रिपेयरिंग अ फैब्रिक. तो यहाँ पर आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है. सो दिस शेयरिंग है, यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से की गई है, शेयरिंग से. इसके पहले के दो स्टेप्स को इन्होंने हटा दिया है. अब शेयरिंग के बाद में क्या की गई थी इसमें, कैन यू टेल मी अबाउट दिस वन. नव्या पांडे, वॉइस इज टू स्लो बेटा, आर यू नॉट लिसनिंग मी प्रॉपरली, कुछ प्रॉब्लम है. शेयरिंग, शेयरिंग के बाद में हम बात करते हैं स्कोरिंग के बारे में. स्कोरिंग इज अनदर प्रोसेस, यानी कि शेयरिंग के बाद में क्या की जाती है, स्कोरिंग. स्कोरिंग के बाद में क्या होता है, सॉर्टिंग. एंड देन आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद में किया जाता है रिमूवल ऑफ बर्ड्स. रिमूवल ऑफ बर्ड्स मीन्स जो बर्ड्स होते हैं फाइबर्स में उनको रिमूव किया जाता है. रिमूवल ऑफ बर्ड्स के बाद में बारी आती है डाइंग, डी वाई आई एन जी, डाइंग, इट्स डी ओके. डाइंग किया जाता है और डाइंग करने के बाद में फिर क्या होता है, डाइंग एंड देन आफ्टर रोलिंग प्रोसेस. रोलिंग में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है, उसके बाद में रोलिंग प्रोसेस के थ्रू ही इनको स्पिनिंग मतलब स्पिन करके फाइबर यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. सो दीज आर स्टेप्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मेक स्केचेस ऑफ टू स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. अब आपको मैंने लाइफ हिस्ट्री जो पूरी समझाई है सिल्क वॉर्म की, उनमें से आपको उन पिक्चर्स को यहाँ पर केवल ड्रॉ करना है जिनका रिलेशन किससे है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से है मेन. अब इसमें देखिए एक स्टेज तो होगी कौन सी, एडल्ट फीमेल सिल्क मोथ, इसकी रिक्वायर होती है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पिक्चर होना चाहिए फीमेल सिल्क मोथ का, जो आपको यहाँ पर बनाना है. सेकंड पिक्चर आपको बनाना है ककून का, COON, ककून, क्योंकि ककून से ही सिल्क फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है. तो जो इसकी लाइफ हिस्ट्री है उसमें एग का यूज़ नहीं हो रहा है, बनता है लेकिन मेन जो है वो डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से, फीमेल सिल्क मोथ और ककून. ठीक है, तो इन दोनों की पिक्चर आपको इस क्वेश्चन में बनानी है. क्वेश्चन नंबर 7 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर. अब यहाँ पर यह पूछा गया कि कौन सी दो टर्म है जो कि सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है. सेरीकल्चर का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल. तो यहाँ पर सिल्क का तो आ ही जाएगा कि सिल्क प्रोडक्शन, यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मुलबरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म. ओके, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मीन्स होता है जब फ्लावर्स जो होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ब्रीड उनकी चूज़ की जाती है, उनको रियर किया जाता है. ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर होता है लार्ज स्केल पर जब फ्लावर्स को ग्रो करना. एक होता है मोरिकल्चर, मोरिकल्चर का मीन्स होता है जो मुलबरी लीव्स होती है ना, तो मुलबरी लीव्स का जो प्रोडक्शन होता है वो आता है मोरिकल्चर के अंदर. तो यहाँ पर हम प्रॉपर ऑप्शन कौन सा चुनने वाले हैं, एक तो सेरीकल्चर को और एक मोरिकल्चर को. सेरीकल्चर मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन अ कमर्शियल स्केल, जो किससे जुड़ा हुआ है, सिल्क प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है. और एक है मोरिकल्चर, इसमें क्या होता है, जो मुलबरी लीव्स होती है उनका प्रोडक्शन किया जाता है फॉर द फीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को फीडिंग करवाने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड मोरिकल्चर. तो यहाँ ये दो प्रोसेस हैं. एपिकल्चर होता है रियरिंग ऑफ हनी बीज, तो ये इससे जुड़ी हुई चीज़ नहीं है. सिल्वीकल्चर जो होता है इसमें ये जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ देखी जाती है, तो ये भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है. तो यहाँ पर राइट जो दो टर्म्स है वो कौन सी मानी जाएगी, सेरीकल्चर और मोरिकल्चर. एंड हियर वन मोर ऑप्शन इज देयर, वन मोर हिंट इज देयर, साइंटिफिक नेम ऑफ मुलबरी इज मॉरस एल्बा.
दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मुलबरी. जिस तरह से जो ह्यूमन बींग, दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक नेम ऑफ पर्सन ना, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमन बींग. इसी तरह से मुलबरी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है मॉरस एल्बा. ओके ठीक है नव्या, कोई बात नहीं. आफ्टर दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 विल सी इन नेक्स्ट क्लास. आई थिंक यू गोट ऑल द थिंग्स ना, नो रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग ऑल्सो दीज क्वेश्चंस, क्योंकि हम पहले सब चीज़ों को समझ चुके हैं. आपको केवल स्टडी भी करना है तो दोबारा किसको पढ़ना रहेगा, सिर्फ उन डेफिनेशंस को आपको स्टडी करना रहेगा एक बार और. ओके जय श्री राम.